हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप, वी आर बैक अगेन। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग वीडियो, आई मस्ट टेल यू दिस, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। आज की वीडियो में हम अफकोर्स प्रीमियम वॉलपेपर्स तो करेंगे, वो पार्ट टू में करेंगे। इसके अलावा हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे जो काफ़ी इग्नोर्ड रहता है, रोमन ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, हॉरिजॉन्टल ब्लाइंड्स, ये जो है काफ़ी इग्नोर्ड पार्ट है इनसे, जबकि आपके एक स्पेस को डिज़ाइन एंड ब्यूटिफाई करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। इससे भी बड़ी वजह यह है कि आज हम आ गए हैं होम डेकोर, HOM डेकोर, और उनके नए आउटलेट पे। वी आर वेरी हैप्पी टू सी देम ग्रोइंग लाइक लीप्स एंड बाउंड्स फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर एंड देन द थर्ड वन। आज उनके थर्ड स्टोर पे हम जा रहे हैं, एक छोटा सा फन वीडियो करेंगे, और इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, एक्सट्रीमली क्रिएटिव। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। यस सर, हाय, हाउ आर यू? कीप दैट एनर्जी अप, नो प्रॉब्लम। डन सर। यू जस्ट हैड टू शॉट्स ऑफ कॉफी? या Okay, I had 3 shots of coffee because I was coming all the way to meet you. Okay, welcome back to Claptrap. We are at the new location. We have already given a basic introduction to all the viewers watching this video. We have come to a different location altogether, right? ठीक है, तो start करेंगे जो पहले video कर रहे थे आप। आपका डर अभी है कि निकल गया, कि वो premium segment का जो था ना आपको? थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो अब कैसा रहा experience? पिछली बार हम experience रहा। I'm so sorry, मैंने आपको कट कर दिया। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, हम लोग तो बात करेंगे इस बारे में। इनफैक्ट वी हैव टू गिव एलैबोरेटेड इन्फॉर्मेशन इन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू रिमेंबर। व्यूअर्स को बता दें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस वीडियो। ये अभी स्टोर के बारे में बात भी करेंगे जी, लेकिन पिछले वीडियो को जब हम शूट कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि प्लीज़ शो अस ओनली प्रीमियम सेगमेंट वॉलपेपर्स जी। वॉलपेपर्स, दोज आर रियल वॉलपेपर्स, नॉट समोसा पेपर्स। एंड यू शोड अस अमेजिंग पेपर्स। How was the response? Response was ultimate, and we got a lot of leads. All right. और amazing experience रहा। Okay. मजा आया वो वाला video करने में, और clients का जो response था मेरे को काफी अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है। You had fear, right? You were apprehensive. Yeah, I had fear, but when we did, and after that, response was good. Response आया वो was बहुत अच्छा था। Ultimate. चलिए, अच्छी बात है। बाकी सब हमारे पास मिलता है, grass का, vertical blinds का, इसका। स्पेशलाइजेशन की बात करें, वॉलपेपर्स में आप स्पेशलाइजेशन है आपका, ये स्टोर एक रिठाला में हमारे पास ऑलरेडी है, फिर हम यहाँ पे हमने एक और दूसरा स्टोर खोला, क्या था? और सर, ये हमारा थर्ड स्टोर है, जो सेकंड स्टोर है जो गुड़गांव में है। अच्छा। और गुड़गांव में ये स्टोर हमने ओपन किया है, सिकंदरपुर, और इस स्टोर की जो लोकेशन है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में। तो अगर आप वाटिका की साइड रहते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड रहते हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये उन कस्टमर्स के लिए ओपन किया गया है जो स्पेशली डिमांड करते थे कि हमें काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है दिल्ली एंड सिकंदरपुर। ओके, तो आप प्लीज़ विजिट करिए, इस स्टोर में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, चाहे वो PVC पैनल्स के हो, चारकोल शीट्स के हो, लोअर पैनल्स के हो, आर्टिफिशियल ग्रास हो, वर्टिकल गार्डन हो, आप बालकनी रेडी करना चाहते हैं, दिल्ली के रेट पर आपको इस स्टोर पर सारा का सारा मटेरियल मिलने वाला है। आप ओवरचार्ज नहीं होंगे, और लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट सारा। चलिए, ठीक है, एक एक करके हम जाएंगे, एक एक पूरे सारे हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आपने बताए उन सब के लिए हम अपने व्यूअर्स को एक एक करके दिखाएंगे, क्योंकि नया स्टोर है, सेमी फिनिश्ड है, ऑलमोस्ट 98% वी आर डन जी, 2% का काम है जो थोड़ा बाकी रह गया है, चल रहा है अभी, हम देख रहे हैं, वो भी दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। इंटरेस्टिंग पैटर्न, 3-4 चीज़ें हैं जो नई हैं। एक तो जो वुडन फ्लोरिंग है जो आज हम दिखाएंगे, वो कमाल दिखाएंगे, और वॉलपेपर्स हम बहुत अच्छे दिखाएंगे। हम आपको सब्स्टिट्यूट दिखाएंगे वुडन फ्लोरिंग का। अच्छा। जो PVC प्लैंक के नाम से आता है। All right. और बहुत इजी इंस्टॉल है, और ये आपका लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। एक और हाईलाइट है, हम ब्लाइंड्स जो कि बहुत मोनोटोनस बोरिंग ब्लाइंड्स होती थी, उनके हम बहुत सारे आज क्रिएटिव ऑप्शंस हमारे एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे आज जो जनरली इंडिया में बड़ा इग्नोर्ड है और बड़ा बोरिंग एंड मोनोटोनस होता है, वो है ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स में बहुत कम डिजाइन है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ इंडिया में ब्लाइंड्स। तो क्या हम लेके आए उसके लिए? हम ब्लाइंड्स के अंदर एक वो जो कम जो डिज़ाइंस होते हैं, जो कम कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर शिफ्ट नहीं हो पाता विंडोज़ में ब्लाइंड्स की तरफ, हम आज उसको दूर करने वाले हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉम्बी सेगमेंट। ये देखिए कितने सारे डिज़ाइंस एंड कलर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप किड्स रूम में ब्लाइंड्स लगाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शर्ट में, और इसको कॉम्बी कहते हैं, कॉम्बी इन द सेंस ज़ेब्रा। ओके, ठीक है। तो ये डबल फैब्रिक होता है, डबल शेडेड होता है, इसका फैब्रिक आप टच कर सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत हैवीनेस है इस फैब्रिक के अंदर। एग्जैक्टली। इसके अंदर मैं आज आपको कलर्स एंड इसके जो डिज़ाइन है वो दिखाने वाला हूँ। अगर आप किड्स रूम में ब्लाइंड्स लगाने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं। मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ इंडिया को, लेकिन जनरली मुझे लगता है कि शायद ये बाहर से आते हैं।
सर ये सारा का सारा इम्पोर्टेड फैब्रिक है जो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है पर अभी तक जितनी भी कंपनीज इम्पोर्ट करती थी वो एक लो रेंज के प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही थी और जब लो रेंज प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ऑप्शंस भी कम होते हैं। ऑलराइट, जब हम एक प्रीमियमनेस की बात करते हैं, हम कैप की बात करते हैं, कैप ब्रांड है जो बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स को इस टाइम पे इंडिया में लेकर के आया है, ऑथराइज डीलर है हम इस कंपनी के। आप जैसा देख सकते हैं सारे के सारे ब्यूटीफुल डिजाइन, अमेजिंग है ना। इनफैक्ट किड्स रूम में अब आपको ज्यादा फ्रीडम मिलता है अपने क्रिएटिविटी दिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अदरवाइज ये सारे लोग क्या करते थे कि लोग बहुत प्लेन लगाते थे या वो लगाते थे जो कि ग्रोन अप्स के रूम में लगते हैं। इसलिए कि आपको गैलेक्सी की डिजाइन है, इसके अलावा आपके पास कैमरा है, फोटोग्राफी का है, सारा देख सकते हैं। जो इनका कंपनी का जो आप जो ये प्रिंट देख रहे हैं वो नेट के ऊपर भी प्रिंट किया गया है। एग्जैक्टली, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही नहीं है। हाँ, और बहुत ही इजी मेंटेनेंस है इसका। आप इसको विंडो पे लगा सकते हैं, नॉर्मली आपके घर पे ड्राई क्लीन हो जाता है। और नंबर ऑफ डिजाइन हमारे पास मिलेंगे आपको अभी पूरा किड सेक्शन में है ना। किड सेक्शन, एक छोटा सा पॉज लेते हैं हम यहाँ पे। एक जो डेमो आपने लगाया हुआ है, जो लोग शायद इनको कभी यूज नहीं कर पाए उनको बता दें कि ये कैसे होता है, फिर आगे चलेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं, ज़ेब्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो लाइंस होती हैं। दो लाइंस होती हैं, ये पीछे आपका विजिबल रहता है और इसको जब आप बिल्कुल नीचे करेंगे नीचे आ जाएगा। कॉम्बी कॉल करते हैं इसको हम, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों यूज कर सकते हैं, जिसमें पैलमेट्स का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, डन। और ये जो कलेक्शन है अब ये है, अब हम बात करते हैं एरो सीरीज की। इस एरो सीरीज के अंदर जितने भी आप पैटर्न्स देख रहे हैं ये सारे सारे एरो से रिलेटेड मिलेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर भी। ओके, अब ये हम चेंज हो जाते हैं पेरिस की तरफ, जिनका दिस मोर टुवर्ड्स सिटी ओरिएंटेड। जी, ओके, इसमें आपको बाइसाइकिल सब कुछ ऑप्शंस मिलेगा। ये टीनेजर की तरफ है, हम देख रहे हैं स्लोली ना एज ग्रुप का भी फर्क, एज ग्रुप का फर्क। पहले किड्स के लिए रहा, फिर टीनेजर्स के लिए रहा, उसके बाद में अब शायद मेरे ख्याल से ये एडल्ट के लिए है। प्रीमियम की तरफ जब हम जाते हैं तो उनका प्रेजेंटेशन जो होता है वो इतना ही लग्जरी होता है, इतना ही अच्छा होता है। जैसे आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हुए और करते करते आप ऊपर जा रहे हैं। दिस इज एज वाइज आई गेस, एज वाइज, राइट, ठीक है। हां वही, मतलब आप कैटलॉग का देखने का लगाने का तरीका वो कितना अच्छा है कि आपने स्टार्ट कहां से किया फिर आप एंड कहां पर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल दिस वन यार, दिस इज वेरी नाइस, है ना। दिस इज वेरी गुड, नॉट बिकॉज इट्स हैज गॉट वाइन ग्लासेस, बिकॉज इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ये आर्टिस्टिक है काफी। जी जी, ओके। अगेन हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन, zigzag छोटे डिजाइन अगर आपको चाहिए। ये तो आप मेरे ख्याल से यूनिफॉर्मली आप कहीं भी प्ले कर सकते हैं ना, कहीं से मोज़ेक पैटर्न में है ये। जी, ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस, फ्लावर्स में आपको काफी अच्छा, फ्लोरल में भी काफी सारे हमारे पास हैं। जी, ओके, एक आप कलर्स दिखाते जाइए, क्रिएटिव टिप देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ना एक डोर के पास में छोटा सा विंडो होता है, उन विंडो में आप बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसमें कर्टेन लगाते हैं, कर्टेन नहीं लगाना है, इस तरह की ब्लाइंड्स यूज करनी है आपको, तो ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। इट डज नॉट ऑक्यूपाई टू मच ऑफ स्पेस, लाइट के ऊपर अप्रोप्रिएट आते हैं। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ लेकिन समझ जाएंगे सब, आप इसको आधा एक के ऊपर ओवरलैपिंग करना है या पूरा ओवरलैपिंग करेंगे तो पूरा डार्क हो जाएगा, पूरा डार्क, और हाफ करेंगे तो आधी लाइट आएगी। अपनी जरूरत के हिसाब से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ब्लैक होल को हमने बोलने नहीं दिया। नहीं नहीं, आपने मेरे से अच्छा बोला जी। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी पैटर्न्स, जितने भी कलर्स और डिजाइन देख रहे हैं, इसको हम रोलर में भी यूज कर सकते हैं कॉम्बी के अपोजिट। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैटलॉग की तरफ, नेक्स्ट कैटलॉग की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा सनस्क्रीन आ जाता है, शेडोज बोलते हैं इनको। ये रोलर्स के लिए है, ये रोलर्स के लिए है। ओके, सन शेडोज होती है ये, जिसमें आप ये देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप पीछे का देख सकते हैं, अप्रॉक्स 80% तक ये आपका ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, 20% सिर्फ इसके अंदर ब्लैकआउट जो हम कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कर्टेंस में हम लोग शमी शीयर कर्टेंस यूज करते रहे, ये उनका वर्जन है, उन्हीं का वर्जन है। ठीक है, तो काफी सारे इसके अंदर ऑप्शंस है। ये कैटलॉग का आप देख सकते हैं, जैसे ये एक डिजाइन दिया गया है, इसके यहाँ पे कलर्स ऑप्शंस 4x4 आपको मिल जाएंगे। जी, ओके, जो लोग कर्टेंस के साथ इनको यूज करें उनको बता दें कि आप मेन कर्टेंस के साथ भी इनको यूज करिए, क्योंकि मेन कर्टेंस हाफ खोलिए और इनको हाफ रखिए तो दे विल लुक वेरी एलिगेंट एंड क्लासी। इस तरह के जो पैटर्न्स है वो यूज कहाँ पर होते हैं, इस तरह के शेडोज लगाए कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पे आपका बॉस कैबिन होता है, अगर आपने वहाँ पर लगाना है आप इसको लगा सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ शेडो नजर आए कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, एक शेडो से आपको सिर्फ फील होता है और इसका क्लास के पास लुक भी बहुत अच्छा आता है। राइट, अगर आपको घर में लगाना है तो, हाँ, घर में लगाना है तो अपने मेन कर्टेंस के पीछे लगा, कर्टेंस के बैक साइड पर लगा सकते हैं। राइट, ये देखिए 3D पैटर्न्स और उनके कलर ऑप्शंस, उनके कलर ऑप्शंस, ये बहुत यूनिक है, ये आपको मार्केट में हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये, देखिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो हमारा सेगमेंट है ये वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर दिखाइएगा, इसको एंड में मत लेके जाइएगा। अच्छा,
बिल्कुल ठीक है, हम साड़ी से करेंगे जैसे हुकुम मेरे आका। थैंक यू सो मच सर। सो ये हमारा रिजॉर्ट। ओके ठीक है, आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू डू दैट, बट हमने शूट तो पैटर्न अलग किया। ओह द यू हैव रॉक्ड इट मैन, दिस इज वेरी एलिगेंट। पूल के पास जिम के अंदर इस तरह के पैटर्न्स लगा। हाँ, और अगर आपका रूम बहुत बिजी है तो किड्स रूम, ग्रोन अप रूम, एडल्ट रूम्स, आपके छोटे रूम है तो वहाँ पे आप वर्टिकल लाइन लगा लें, इससे आपको रूम की हाइट बढ़ जाएगी। जी जी जी, वर्टिकल पैटर्न्स। इसका हमारे पास अपोजिट आपको हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा। अच्छा, ये देखिए, ओ लवली, ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें। होटल्स में भी यूज होते हैं ये, लॉबी में भी यूज होते हैं, लॉबीज में यूज होते हैं, और जो भी लॉबीज आपकी डबल हाइटेड होती है वहां पर बहुत अच्छा लगता है ये। हां, यू हैव गॉट ऑल द कलर्स, जितने भी कॉम्बिनेशन में वो सारे आपको मिल जाएंगे, सारे कलर्स मिल जाएंगे। देखिए तो बहुत ही अल्टीमेट कलेक्शन है इस कैटलॉग में हमारे पास। आप जब आएंगे तो ब्लाइंड्स के लिए आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए, ओके, तो वही इंग्लिश कलर्स इन दिस है ना जी। अच्छा, वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल भी है हमारे पास। वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल्स भी है, सेम पैटर्न्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी मिलेंगे। ओके, सो हम इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ वी कैन यूज इट। ऑलराइट, और आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं इनको, अगर आपको कुछ क्रिएटिवली क्रिएट करना है अपना। बिल्कुल, मतलब एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आई डोंट नो हाउ विल इट लुक बट यू कैन ट्राई। इसको अगर आप देखेंगे ना, ये एक ही चीज है, इसको हॉरिजॉन्टल भी हमने यूज कर लिया, इसी फैब्रिक को, इसी फैब्रिक को हमने हॉरिजॉन्टल भी लगा लिया, वर्टिकल भी लगा लिया, ताकि हम इसको बीच से कट करके वर्टिकल बना लेते हैं और रोल 10 फीट का जो साइज है उसको हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं। Let me come back to you. That's interesting. आपने बोला क्या क्या रहता है, मतलब इसकी विड्थ कितनी आती है? सपोज ये 10 फीट का रोल है और ये वर्टिकल लाइन है, सपोज ये लाइन है, सो हमने इसी लाइन को इस तरह से कट कर लिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दिया। अच्छा। और जब इसको हम स्ट्रेट रोल यूज करेंगे वर्टिकल बन गया। ओह ओके, सो हमने वो सेम पैटर्न को दोनों तरह से यूज किया हुआ है। ऑलराइट, डन। सो अब हम आ जाते हैं अगेन, ये कौन सी, ये क्या चीज है? दिस इज रोलर। तो ये जितना भी आप रोलर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये दिखता है, मेड इन इंडिया। अच्छा, दिस इज मेड इन इंडिया, ओह ग्रेट। सारा फैब्रिक इम्पोर्टेड है, हाँ, इंडिया में हम लोग रहे हैं इसको। और बहुत मुझे अच्छा लगता है जब हम ब्लाइंड्स के अंदर वॉलपेपर्स जितने आपको ऑप्शंस दे पाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में हम विंडोज़ पे सिर्फ इसलिए इसको खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास कलर ऑप्शंस नहीं होते। तो मैंने उसको फुलफिल किया है। आप जब यहाँ पर आएंगे, मेरे को बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता है ये वाला, देखिए, वेरी नाइस एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है और इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हमें मिलेंगे, एक ही देखिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन और nice. तो इसमें एक सवाल हमारे पास है आपके लिए, ये आप जो दिखा रहे हैं ये रोल ऑन एंड ज़ेब्रा दोनों की कॉम्बिनेशन में भी बन सकता है या रोल ऑन के लिए? ये रोमन के लिए, रोलर के लिए, ठीक है, रोलर एंड रोमन वी कैन यूज इट, ठीक है, डन। आप मोटराइज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सारे के सारे रिमोट ऑपरेटेड मोटराइज होते हैं, आप मैनुअल ओपनिंग नहीं चाहते तो रिमोट से भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। आप एक छोटा सा चीज़ बताएंगे कि ये चार कलर हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? ये चार मुझे थोड़ा ये कॉर्पोरेट एरियाज के ज्यादा लग रहे हैं, मोर टुवर्ड्स ऑफिस के साइड में लग रहे हैं मुझे, साइड में ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सही, और इस तरह के कलर्स मेरे कॉर्पोरेट में ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्योमेट्रिकल्स आ जाते हैं। और इस तरह के पैटर्न्स आप अपने व्यूअर्स को बताइए एक बारी कहाँ पर हम लगा सकते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं कि आपको कल लगता है कि कहाँ पे आते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, ठीक है, है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी भी देखते हैं एंड समटाइम्स वी रन शॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। कितना प्यारा है ना, हाँ, दिस इज नाइस, डुअल एक्सेंट है इसमें और डबल एक्सेंट आता है इसमें। इसके बाद में फ्लोरल आ रहा है क्या कुछ? इसके बाद हम वेव्स में आ गए हैं। अच्छा, ओशन वेव्स कलेक्शन। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल आपको वही समुद्री लहरें, इसीलिए नाम इसका वेव्स रखा हुआ है, जी, ठीक है। फिर हम थोड़ा वुडन टच की तरफ चले जाते हैं, इसके अंदर हम बस जूट जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसमें भी ढेर सारे कलर है, डन। और अब हम इसके साथ चलते हैं कुछ कस्टमाइजेशन की तरफ, कस्टमाइजेशन ऑफ वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, कस्टमाइजेशन ब्लाइंड्स, या ओके, सो वो वाला गाना याद है, तुम मिले दिल खेले, तुम मिले दिल खेले, आज मिले, उसमें यू रिमेम्बर दिस Nagarjun, when he comes in, Ramaya Krishnan was in love with Nagarjuna, and Manisha Koirala was also there. There was a love triangle. So, okay. Secretly she was in love with Nagarjuna, and she had those blinds. और जैसे उसको पता चलता है कि नागार्जुना इस काम उसको बताना नहीं चाहती कि वो उसको प्यार करती है, तो वो ब्लाइंड्स को बंद कर देती है, खोल देती है, तो वो जो उसका फेस है वो पूरा ऊपर चढ़ा है, ऊपर हो जाता है। आप गाना देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास है कि अगर आप यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज, नहीं, मैंने रेफरेंस सही पकड़ा है, हाँ बिल्कुल, क्लोज है, बिल्कुल उसी पे हो आप
ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक टू दैट सॉन्ग और आप ट्राई करिए इस तरह से कि हम अपनी इमेजेस भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी इमेजेस भी ट्राई कर सकते हैं। नॉट मेरी, आई एम एन वर्टिकल। ओके, ये वर्टिकल ब्लाइंड है जैसे अभी देख पा रहे हैं पूरा का पूरा। अच्छा, और ये जैसे आप देख, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, यू टेक एन इमेज लाइक दिस, यू विल कट इनटू दिस, यू विल पेंट इट लाइक दिस, एग्जैक्टली, एंड इट विल बिकम लाइक दिस, राइट? ऐसे, ठीक है। सो इसमें वर्टिकल मिल जाएगा, रोलर एंड रोमल आपको मिल जाएगा हमारे पास। अच्छा, रोल ऑन रोमन मींस दे विल रोल इट अप, यू कैन रोल इट अप, कुछ इस तरीके के आपके पैचेस में आएगा, जैसे दिख रही है आप, सिंगल सिंगल रोल ओवर के। अच्छा, पूरा रोल नहीं होगा, ये लेयर्स में जाएगा। लेयर्स में जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको हमारे पास मिलेंगे। फिर ये सिर्फ जस्ट रेफरेंस डिजाइन है ना, आप अपने डिजाइन चूज कर सकते हैं। हाँ जी, कॉम्बी, ओके, ज़ेब्रा, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। Exactly. तो आप कोई भी प्रिंट हमारे पास करा सकते हैं, डबल नेटेड रहेगा, जिसमें छोटे स्ट्रिप्स और बड़ी वाली आपको हमारे पास दोनों मिलेंगे, 2 inches और 4 inches, both we have. ठीक है, डन। अच्छा, क्योंकि ये कस्टमाइजेबल है इसलिए आप कर सकते हैं कस्टमाइज। ये भी कस्टमाइजेशन है हमारे पास, लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक दिखाई देता है। अच्छा, फुल पीकॉक दिखाई देगा आपको। ओके, दिस इज जस्ट एन रेफरेंस, बिल्कुल, दीज आर नॉट द ओनली पिक्चर्स वी हैव। ओके, नाउ वेयर आर वी गोइंग? हां, मैं आपको और भी कैटलॉग्स दिखाता हूं कुछ। दीज आर मोर ब्लाइंड्स, या दिस आर वर्टिकल ब्लाइंड्स। अच्छा, ये देखिए, ये वर्टिकल ब्लाइंड्स है जो अभी तक आई थिंक मार्केट में इस तरह के पैटर्न्स किसी के पास नहीं होंगे। ये देखिए, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है इसके अंदर। ओके, इसको एक मिनट, मैं यू इन टू फास्ट एक्चुअली, यू वी हैव टू टेल दिस टू आवर व्यूअर्स, ये लंबी लंबी जो ये लाइंस होती हैं इस तरह की। हाँ जी, ये जो इस तरह की स्ट्राइप्स होती हैं, इस टाइप्स होती है, राइट, देख पाएंगे। ये भी अब रेवोल्यूशनरी हो गई है, मतलब यू हैव डिजाइन पैटर्न्स अवेलेबल। ये उल्टा होगा ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, चलिए, सो वी विल शो सम डिजाइंस, इसमें कौन कौन से डिजाइन है। अगेन, काफी सारे ऑप्शन है इसके अंदर भी हमारे पास, आप आइए विजिट करिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन, ट्रेडिशनल वर्टिकल्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये ट्रेडिशनल डिजाइन है जैसे रोमन बता रहे हैं अभी, और इसमें क्लासिकल है, विंटेज है, मॉडर्न है, किड्स का है, फ्लोरल है, राइट, सारा। इनमें कस्टमाइजेशन है किसी तरह? ये कस्टमाइजेशन नहीं होता, कस्टमाइजेशन इसका मैंने अभी आपको फ्रंट लेडी पिक्चर का जो फेस है वो दिखा दिया। ओके, वो सारा कस्टमाइजेशन है। ओके, देयर आर फ्यू डिजाइंस, एक बार ये दिखा दीजिए मुझे, ये वाला, आई लाइक दिस वन, ये बहुत प्यारा है जी, ये बहुत अच्छा है। ये क्या, किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं इनका प्राइस? सर, ये पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट होता है, जैसे अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं, अप्रॉक्स 160 रुपीस पर स्क्वायर फीट, अगर हम इसकी बात करते हैं 160 रुपीस पर स्क्वायर फीट, बाकी इंस्टॉलेशन मोटर पैलमेट वेलमेट अलग से होगा, अलग से होगा। चलिए ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट सेगमेंट में क्या, अब हम आपको दिखाते हैं लूअर्स एंड हमारे चारकोल शीट्स। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो करेंगे, उसको एंड अप करेंगे। डन, नेक्स्ट सेक्शन बताइए क्या दिखा रहे हैं हम। एक सेकंड, इसका लूअर्स और पीवीसी ना, लूअर्स एंड पीवीसी। ओके, हम लूअर्स पे फोकस, दोबारा से लूअर्स, और अब, और अब हम आपको दिखा रहे हैं पीवीसी पैनल्स। तो पीवीसी पैनल्स में आप जैसे ये देख सकते हैं, हमारे पास सारा पीवीसी का स्टॉक मिल जाएगा। इस पैनल की अगर हम बात करते हैं, 10 inches इसका विड्थ होता है और 10 feet इसकी हाइट होती है। जिन वॉल्स पर आपकी सीलन आ रही है, आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इसका ये देखिए, कुछ इस तरह से डिजाइनिंग हम लोग कर देते हैं। सारे हैवी ड्यूटी पैनल्स आपको मिलने वाले हैं, 5 mm की इसकी थिकनेस होती है राउंड मोल्डिंग के अंदर, ठीक है। और ये देखिए, सारे ऑप्शंस हमारे पास, प्लेन टेक्सचर्स, टेक्सचर्स के साथ आपको हाइलाइटर्स, सारे ऑप्शंस मिलेंगे पीवीसी के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास वुडन भी था, अब कट कर देना इसको। इसमें हमारे पास काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे, है ना, काफी सारे डिजाइन इसमें हमारे पास मिल जाएंगे। डन, इसका भी आप कैटलॉग भेज सकते हैं, इसका भी हम आपको कैटलॉग सेंड कर देते हैं और उसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द ऑप्शंस दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ योर डैम्पनेस। ओके, नाउ बात करते हैं लोअर्स की। सो ये आप सारा देख सकते हैं लोअर्स। सो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। मुझे इस तरह के कलर्स कुछ ज़्यादा पसंद है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया को अपने हाईलाइट करना है, अपने अपने बार को हाईलाइट करना है, और अगर आप किचन के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लॉबी एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स चलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग वेट्स होती है, कुछ 7 inches के अंदर है, कुछ 5 inches के अंदर, कुछ 6 inches के अंदर है वेट वाइज। और लेंथ, इसकी लेंथ जो है 9.5 feet, 10 feet के अंदर ये पीसेज आते हैं। तो सारा स्टॉक आपको हमारे पास रेडी मिलने वाला है। ये देखिए, बहुत सारे शेड्स है, वन ऑफ माई फेवरेट कलर दिस वन। और अगर आप वुडन पे जाते हैं, तो वुडन में ये कलर बहुत ज्यादा चलता है, इसका डिमांड काफी ज्यादा है वुडन के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास व्हाइट है, ओकवुड है, ग्रे है, टिंट है, काफी सारे कलर शेड्स हैं। इसमें ये बना हुआ है, ये थोड़ा थिक है, इसमें आपको छोटे लूवर्स भी मिल जाएंगे, जो कि अभी
छोटे लूवर्स भी हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ये हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। दैट वाज वेरी बोल्ड है ना, काफ़ी बोल्ड था वो जो बड़ा वाला था जी। ओके, ये छोटे छोटे हमारे पास लूवर्स हैं इसमें जी, है ना। सो ये आप देखिए, ये हमारा 4 इंचज़ के अंदर आता है, 4.5 इंचज़, और इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस है। कुछ शीट्स ही आपको बड़ी हुई शीट्स में दिखाता हूँ, इस तरह की शीट्स होती है, जैसे आप ये वाला पैटर्न देख रहे हैं, इसका ये लूअर है, चारकोल शीट्स कहते हैं इसको, पूरा वॉल पर ये आपका लग जाता है, बहुत ही प्रीमियमनेस दिखता है जब ये आपकी वॉल पर हैंग होता है। बिल्कुल, और इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है ना इनमें? हाँ, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। अगर आप अपनी वॉल पर लगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सफायर 83 में विजिट कर सकते हैं, और आप लोग सजेशन दीजिए आपको इसमें कौन सा पसंद आ रहा है। देखिए, जैसे कलर्स के बारे में कहते हैं अमन, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये कलर अच्छा नहीं है, वो कलर अच्छा नहीं है। एक्चुअली दुनिया का कोई कलर बुरा नहीं होता, लाइकवाइज कोई भी डिज़ाइन बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से और कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, इनमें से कोई भी डिज़ाइन ऐसा नहीं है जो ख़राब है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें तो ये दीज आर द वेरी व्हाट यू कॉल दैट, वेरी कैलिफोर्नियन स्टाइल कलर्स, ये अमेरिका में ज़्यादा चलते हैं, आपके डार्कर टोन्स के रूम के साथ। अब आप आउट हाउस बनाने चाह रहे हैं तो अलग तरह का है, डिस्ट्रेस फिनिश बना रहे हैं अलग तरह का है, यू वांट टू क्रिएट सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस एंड दीज आर द राइट पैटर्न्स, बिकॉज इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये अलग तरह का अलग पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब आपने पूछ लिया है तो नाउ माय इंटरनल, मेरा अंदर का वो पूरा निकल आया, और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर प्रोफाइल लग जाती हैं, प्रोफाइल लाइट्स बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इसके। अच्छा, एग्जांपल भी हमारे पास इस तरह से लगा सकते हैं आप इसके अंदर मेटल का इंडे नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मेटल का पॉलिश किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो, जो छोटे एरियाज होते हैं, जो बहुत कॉम्पैक्ट स्पेसेस होते हैं, या आपको पिलर की क्लाइडिंग करनी होती है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे लगाने होते हैं इन कॉम्बिनेशन विद लार्ज वन। अमन इज गिविंग मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक, सो आई थिंक आई शुड ग्रैब इट। ओके, ब्रेथलेसली आई विल गो, आपने मौका दिया है। तो ये विक्टोरियन, ये थोड़े क्लासिकल स्टाइल के लूवर्स हैं, इनका इस्तेमाल अमन आप कहीं भी कर सकते हैं। कुछ लोग इनका इस्तेमाल टीवी पैनल, वार्डरोब के ऊपर भी करते हैं, डोर्स के ऊपर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वॉल क्लाइडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं टीवी, और थोड़ा सा अगर आपको ब्लिंक क्रिएट करना है तो दीज काइंड ऑफ डिजाइन आर गुड, बट दिस इज द सेफेस्ट कलर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। राइट, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें समझ के, सुन करके, और हमें भी आइडिया मिलता है। प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि आप बोलिए। ठीक है प्रिंसिपल साहब, समझ गए हम आपकी बात, और हमारे व्यूअर्स, यू आर द प्रिंसिपल, आई एम अ स्टूडेंट। यू आर, नो यू आर अ स्टूडेंट। सो अब इसको बताएं कि ये आप कैसे भेजेंगे ट्रांसपोर्ट में? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हमारे पास से आपको मिल जाएगी, और मैं तो आपको कहूँगा आप हमारे पास आइए, बैठिए, कॉफ़ी पीजिए साथ में, और फाइनलाइज करिए प्रोडक्ट को। अच्छा, यहाँ पे सफायर 80 फ्री। ओके, इसका फुल बेनिफिट ले रहे हो आप? फुल बेनिफिट ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कैफे कॉफी डेज हैं और बहुत सारे कैफेज हैं। को हमारी रिठाला में प्रॉब्लम हुई है, वो यहाँ नहीं होने वाली। एंड आई एम अश्योरिंग दिस बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेल फेड, आई कांट शो इट टू यू, फेड मी सो वेल डूड, आई एम सो फुल, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको खाने का भी खूब आराम मिलेगा। बिल्कुल राइट, सब कुछ मिलेगा। चलिए ठीक है।